आप में से बहुत सारे लोगों ने हाइपरलूप के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे, पर फिर भी आपके मन में थोड़े से डाउट्स तो ज़रूर होंगे। आज मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में दुनिया का सबसे फास्टेस्ट, सेफेस्ट और चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में बताऊँगा। हाइपरलूप काम कैसे करता है, हाइपरलूप के पीछे किसका दिमाग है, हाइपरलूप हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को कैसे बदल कर रख देगा और ये इंडिया में कहाँ पर बनेगा, तो देर किस बात की, लेट्स डू दिस। YouTube की अंधेरी गलियों में आपका स्वागत है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुंबई से दिल्ली बस 30 से 50 मिनट में पहुंच सकते हैं तो वुड यू बिलीव मी? हाइपरलूप सुनने में बहुत ही अनरियलिस्टिक साइफाई कॉन्सेप्ट लगता है, पर इस पर बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है और ये हमारे दुनिया को बदल कर रख देगा। वो क्या चीज़ें हैं जो हमें अधिकतम स्पीड पाने से रोकती हैं? एक तो है फ्रिक्शन और दूसरा है एयर रेजिस्टेंस। अगर एग्जांपल के लिए हम रेलवे का सिस्टम लेते हैं तो रेल की पटरियों और रेल के पहियों के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उससे थोड़ी एनर्जी लॉस होती है और हमें वो स्पीड नहीं मिल पाती जो हमारा ट्रेन का इंजन कैपेबल है डिलीवर करने में। तो इससे छुटकारा पाने के लिए हाइपरलूप इस्तेमाल करता है मैग्नेटिक लेविटेशन। अगर आप मोटर के रोटेशन को लीनियर मोशन में बदल देते हैं तो हमें इससे फॉरवर्ड मोशन हासिल हो सकता है। हाइपरलूप में मैग्नेट का इस्तेमाल होता है जो पॉड्स को ऊपर उठाता है और उसे आगे भी बढ़ाता है। इससे पॉड्स और ग्राउंड के बीच में कोई कॉन्टेक्ट नहीं रह जाता। दूसरा रीज़न है एयर रेजिस्टेंस, जो हमें अधिकतम स्पीड पाने से रोकती है। इसका हल है मेटल ट्यूब्स। अगर हम ट्यूब में से हवा खींच देते हैं, उसमें वैक्यूम बना देते हैं, तो पॉड्स को एयर रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा और इससे पॉड्स की स्पीड भी बढ़ेगी। तो फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस को एलिमिनेट करने से हमें वो एनवायरनमेंट मिलता है जो एरोप्लेन्स फेस करते हैं हवा में उड़ते वक्त। तो इसका मतलब है अगर हम पॉड्स से ट्रेवल करते हैं तो वो हवा में ट्रेवल करने के बराबर होगा। इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट के पीछे इस बंदे का दिमाग है, स्पेसएक्स एंड टेस्ला फाउंडर एलन मस्क। 2012 में हाइपरलूप कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रखा था। इनिशियल हाइपरलूप कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था आज के हाइपरलूप कॉन्सेप्ट से। इनिशियल हाइपरलूप कॉन्सेप्ट में एक कंप्रेशन फैन लगा होता था पॉड्स के सामने। वो कंप्रेशन फैन ट्यूब में से हवा खींचता था और पॉड्स के नीचे फेंकता था। इससे क्या होता था कि पॉड्स के नीचे एक हवा का कुशन बन जाता था और पॉड्स ऊपर उठते थे और साथ ही में वो आगे बढ़ते थे। एलन मस्क ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि हाइपरलूप कॉन्सेप्ट ओपन सोर्स होगा। अगर आपकी कोई प्राइवेट कंपनी है, अगर आप हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में, हाइपरलूप कॉन्सेप्ट में अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं बिना एलन मस्क के इंटरफेरेंस के। और मुझे लगता है ये एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन था, क्योंकि आप आज रिजल्ट देख सकते हो। इनिशियल हाइपरलूप कॉन्सेप्ट और आज के हाइपरलूप कॉन्सेप्ट में दो बुनियादी बदलाव किए गए हैं। एक तो मैग्नेटिक लेविटेशन पहले ही इस्तेमाल में लिया जा चुका है मोनोरेल्स में। आपने मैगलॉव के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। और दूसरा सबसे बड़ा बदलाव जो है वो है ट्यूब में से सारी हवा खींचने का और ट्यूब में वैक्यूम पैदा करने का। ये भी एक बहुत ही बड़ा कदम था, क्योंकि जितना कम एयर रेजिस्टेंस होगा उतनी हम ज़्यादा स्पीड हासिल कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हो और आपकी नौकरी मुंबई में लगती है तो नॉर्मली आप क्या करोगे, आप मुंबई में शिफ्ट हो जाओगे, मुंबई में कोई रूम लेकर वहाँ पर रहने लगोगे, क्योंकि आप रोज़ मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू मुंबई अप डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपेंसिव होगा और वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो अगर मुंबई और दिल्ली के राउट में एक हाइपरलूप बनता है तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान बन जाएगी, क्योंकि आप नॉर्मली जैसे ऑफिस के लिए तैयार होते हो दिल्ली में, आप तैयार हो गए और आपके नज़दीकी जो हाइपरलूप स्टेशन होता है उसे कहते हैं पोर्टल्स, उस नज़दीकी आप पोर्टल में गए, आप पॉड्स में बैठे और 30 से 40 मिनट में आप मुंबई पहुँच जाओगे, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान बन जाएगी। और दूसरा रीज़न जो है, अगर आप दूसरे सिटी में कोई काम करते हो और उस सिटी में घर लेना बहुत ही मुश्किल बन जाता है, वो अफोर्डेबल नहीं होता, उसके प्राइस बहुत ही हाई होते हैं,
और आप फैमिली से भी दूर रहते हो तो आपको वो एक्सपेंसिव हाउस वो नहीं लेना पड़ेगा। आप अपने घर में जो आपका पहला घर है आप वहीं पर रह सकते हो आपके फैमिली के साथ। आपका काम अगर दूर के कोई सिटी में है तो आप हाइपरलूप से वहाँ चंद मिनटों में आप उस सिटी में पहुँच सकते हो और आपका काम ख़त्म होने पर आप वापस घर आ सकते हो। तो ये हमारे दुनिया को बहुत ही एक अच्छी तरह से एक बदल कर रख देगा। और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इस्तेमाल करना आपको बहुत ही सस्ता पड़ सकता है क्योंकि हाइपरलूप को बनाना और उसका मेंटेनेंस बहुत ही कम होता है। हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को चलाना बहुत ही सस्ता इसलिए भी है क्योंकि हाइपरलूप बहुत ही कम एनर्जी इस्तेमाल करता है और ये रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर विंड उस पर भी चल सकता है। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट हाइपरलूप। हाइपरलूप काम कैसे करता है और ये हमारी दुनिया को कैसे बदल कर रख देगा। अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना ताकि मैं एक अलग से वीडियो इस पर बनाकर आपको दे सकूं। तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद।